गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यह दिवाली का पार्ट टू। वो घर आ गई थी, वो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो यहाँ के काम धाम करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है और ठंडा भी बहुत हो रहा है और शाम भी हो गई है। तो ये मंदिर की माला फिट करते हैं और हमारी शिमू लगा रही है झाड़ा। शिमू अच्छी से लगाना झाड़ू, ठीक है? गाड़ी धोकर लाई है, कृत्य ढूंढनी आनी चाहिए मेरी गाड़ी में। हमारी मैया को स्थापित करने की तैयारी, बट मैं अभी मैया का रिवील नहीं करूँगी यहाँ पर, अभी दिखाऊँगी आपको थोड़ी देर में। अभी मंडप वगैरह बन रहा है। मंडप इस बार हम ज़्यादा नहीं बना रहे, सिर्फ केले के पत्ते और गन्ने के पत्ते शगुन होते हैं उसी से बना रहे हैं। और ये देखो पापा के लिए भी इसने माला बना दी है और यहाँ सब कुछ फैला पड़ा है सामान। तो करते हैं अभी, दिखाते हैं आपको, मिलते हैं थोड़ी देर में। दे में तेरे हिस्से का गुजर हूँ अपना, तो इतनी लेट में आ रही, कुछ करना पड़ेगा। बहुत हरामी हो तुम, मैं अपने लिए कपड़े लेके आई, वो भी उठा लिए ना। हाँ फिर गोरी हो रही तू तो आजकल, दिखा तो बाल कते लंबे हो रहे तेरे तो, हारे हुए लोग। तो अभी मैं यहाँ दियो में तेल वेल डालने की तैयारी कर रही हूँ, बत्ती बना दी है भगवान के लिए। और बाकी अभी मम्मी लोग सबसे जा रहे हैं, तो उसके बाद दिखाती हूँ। सब रिश्ते का काम निपटा दिया है और हमारी जानू यहाँ पे खड़ी है प्यारी घर में, कैसे लगभग, और खुशी बना रही है रंगोली। क्या गिराया वो, दिखाती हूँ आपको। हाँ भी शाम हो जाएगी, अंदर बनाना, यहाँ पे एक जर्जर वाला है बनाना है, फूल का गुलदस्ता। मम्मी ये फूल की रहने को उठा लूं? और मैं आजकल ना ऐसे हल्की हल्की धुंध सी और बिल्कुल मौसम अजीब सा होता है, ठंडा बहुत होता है और पत्ते सारे झड़ गए होते हैं, उसकी वजह से पतझड़ आया हुआ है देखो। और आज ये लूटे लगे तो हमारे घर वाले आज बोलेंगे यहाँ पे बम मत फोड़ना, ये लूटे जल जाएंगे। और ये देखो बच्चे घूम भी रहे हैं उधर रोड में, और यहाँ पे हमारे भगवान जी माता रानी, और मैं यहाँ कपड़े उठाने आई हूँ छत से। तो ये देखो हमें तो कुछ कपड़े हैंग करने वाला कोई स्टैंड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे घर के वहाँ पे इतना बड़ा पेड़ है, रेलिंग में कर देते हैं, बाकी इसमें कर देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ऊपर मंदिर, हाँ दुकान पर पूजा करने के लिए, और इसमें मुझे साड़ी बना दी, अंदर से मैंने जीन्स पहनी और मैं चलने का रही जल्दी होते हैं। तो गाइस तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ मंदिर पे, उतरना बड़ा टफ है। हम मंदिर वहाँ पूजा करने के बाद, दुकान में पूजा करने के बाद घर आ गए हैं, और अब घर में मंदिर में पूजा करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे देवी मंदिर। मम्मी कैप। तो फाइनली हो रही है पूजा की तैयारी। हैप्पी दिवाली। तो हमारे दादा आ चुके हैं पूजा करके मंदिर में, और अब घर में करेंगे। अब आ गए लेकिन इस बार नहीं आया, वो बुकिंग में गए हैं, बुकिंग में है वो, बुकिंग में है। पूजा कर लेते हैं फिर उसके, वो भी जला लेगा दिया। हाथ जोड़ो। तो ये मम्मी ने मेरे कैमरे की भी पूजा कर दी है। हाँ मैंने वो देखा, जो भी बड़ी गई थी मैं। हाँ निश दीन द्यावत मैया जी को।
अब विष्णु की गाओ, लक्ष्मी और विष्णु जी तो होता है मेन। वैसे भी जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे जगदीश के धनु के पुजावे बल पावे दुख बिन से मल का स्वामी, दुख बिन से मल आवे मल आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश तो अब हम जा रहे हैं देवी मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ से हमारा स्पॉट रास्ता था बट वो खराब हो रहा है, तो हम नीचे से जाना पड़ेगा। तो पहले चलते देवी मंदिर में पूजा करके आते हैं, उसके बाद आके घर में खाना वाना खाएंगे। घर में खाने का हमारी देवी माता, हम पहले अच्छे से पूजा वगैरह करते हैं, फिर अब उसके बाद मिलते हैं। गाइस पूजा कर लिया और अब हम यहाँ पूरे हैं बम। हमारा देवी मंदिर जहाँ भागवत भी होता है हर साल मार्च में नवरात्रि के टाइम। और ये हमारे भाई लोग, और ये अभी यहाँ बहुत सारा काम हुआ है मंदिर में। ये देखो पूरा छत वाला बन गया है, पहले ऐसे ओपन था और अब बहुत अच्छा बन चुका है। ये हमारी माता रानी जो हमारे पूरे गांव की रक्षा करती हैं, सबकी रक्षा करती है हमारी माता रानी। ये फुट गया बम, मुर्गा छाप। घर अब करते हैं भोजन, गाय लगी है, गोभी लगी है, फोटो शूट भी करते हैं थोड़ा, लेते हैं खाना और उसके बाद सो जाते हैं। मिलते हैं आपको कल को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी थोड़ी देर में और मिल सकते हैं, बम फटा के फोड़ दूँ। तो गाइस अब मैं बम फोड़ रही हूँ, दिखाऊँ आपको कौन सा वाले बम फोड़ रही हूँ मैं। ये देखो, देखना हाँ, अरे ये मीचू तू कहाँ गई? ये कौन है? कौन है ये? ये कौन है? ये मी गद्दी जी, ये सब फिसल जा रही, गोदी में नहीं आ रही। ये तो ऐसे वाले हैं, हल्के वाले। बस लूटा तुम जला मम्मी, मुझे तो पक्का लग रहा है कुछ तो गड़बड़ करके आए हो तुम। पक्का उजो उजो मेरा मुंह, मेरा मुंह उजो आसुन का लूटा, आसुन का लूटा। अरे वो डब्बा ही पलट गया, ले जा कब। अब क्या करें भाई, दादू भाई ये खुशी से कह रहे थे मम्मी मत छोड़ मत छोड़। आसुन का लूटा तूने? अरे नहीं चलेगा, वहां तक कहां जा रहा है? देख क्या तो, देख क्या तो, अबे वो तो सब जगह छलट गए। मम्मी अपने आप से हो गया, वो डब्बा पलट गया, हम क्या करें? उनका लूटा, उनका लूटा देखो, बाकी तो छोड़ो तू चुप जाना। उसने क्या करा, लूटो वो डब्बा पलट गया, मेरे मुंह पे आया वो सीधे, डब्बा पलट गया और उनका लूटा। अरे कहीं नहीं गई है यार, वहां तक तो जाता हूँ। बाबरे जो मेरे मुंह के आगे फटा ना, वो घूम गया ना।